मैं मजबूरी नूं काम कार दी वी 400 रुपया सारा बजट तां आंदी। पंज बच्चियां जवान ने, एक दी शादी कीती, बच्चा मेरे कोल नहीं हैगा। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਵਣ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल बराज और आप देख रहे हैं कसूर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरे पीछे एक होटल है जिसमें एक माँ जी अपनी रोटी रोजी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तकरीबन 7 साल से वो इस होटल में बतौर तंदूर का काम कर रही हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए इसी तंदूर में सुबह से लेकर शाम तक बस यही काम करती हैं। असलम नाज़रीन, हमारे साथ ये वो माँ जी मौजूद हैं जो तकरीबन 7 साल से गर्मी हो या सर्दी हो वो तंदूर पर सुबह से लेकर शाम तक काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आइए हम उनसे कुछ जानते हैं कि वो 7 साल से यही काम क्यों कर रहे हैं, उनके खावन क्या काम करते हैं, उनको ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इस होटल पर 7 साल का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप मुझे बता सकती हैं आपको कौन सी ऐसी मजबूरी है कि 7 साल से आप यहाँ पे तंदूर के फ्राई सर अंजाम दे रही हैं? या बच्चियां ने ना बाल काट सकती है, इस मजबूरी ते मियां मेरा ठीक नहीं हैगा। अच्छा, खाली तुहाडी बच्चियां किन्नियां ने? पांच। अच्छा, पांच बच्चियां ने। हाँ। ते बेटे किन्ने ने तुहाडे? एक बेटा सी फौत हो गया। बेटा फौत हो गया। ते बेटे दी किन्नी उम्र सी जदों फौत होया सी? 8 साल। 8 साल दी। ते तुहाडे खावंद की करदे ने? कुछ नहीं, बस सारा ही हैगा। हां भी मैं 400 रुपया इत्थों बजे तुंदी ते बच्चियां दा पेट मसे पूरा हुंदा है। ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬਈਏ ਤੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਮਸੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਪਰ। अच्छा नाज़रीन, जैसे माँ जी की बातें आपने सुनी, वो बता रही थी कि मेरी 5 बच्चियाँ, एक की शादी हो गई है और 4 बच्चियाँ मेरी अभी उनकी शादी नहीं हुई, मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर सकूं, मुझे तंदूर से सिर्फ 400 रुपये एक दिन का दिया जाता है जिससे मैं अपने घर के अपने बच्चियों के लिए खुराक लेकर जाती हूँ और ना के ज़रूरत की अशिया भी नहीं ख़रीद सकती, और 7 साल से मैं यही काम करती आ रही हूँ, मेरे पास ऐसे कोई वसाइल नहीं जिसकी वजह से मैं अपने 4 बच्चों की शादी कर लूं। और माँ जी का ये हुकूमत बाला से और उनसे ये अपील है कि मेरी मदद की जाए जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चियों का फरीजा सर अंजाम दे सकूं। भी बच्चियां दा करी मैं इत्थे होनी ते बच्चियां दा फिक्र हुंदा, फिर सारी दिहाड़ी इत्थे सवेर तो आ जांदी शाम नूं, ते भी भरा जे सिर ते होवे चलो मेरा बोझ तां हट जावे, फिर इन्ना भी फर्ज़ अदा हो जाए ते मेरा फिक्र लह जावे। ते मजबूरी इक ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ 100 ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਚੰਗਾ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਵੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 400 ਰੁਪਇਆ ਬਾਜਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? 5 ਵਜੇ। 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 9:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 9:30 ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੋ ਜੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਆਤਾ ਹੈ ਉਮਰੇ ਕਾ ਮੌਦਾ ਹਮਾਰੀ ਸਾਦਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, लेकिन आपको कोई ऐसा ही ऐसी बच्ची नज़र आती है जो यतीम होती है, जिसके सर पर कफारत करने वाला कोई नहीं होता, आप हज उम्रा जाने की बजाय अगर उस बच्ची की शादी करवा दें तो न जाने अल्लाह ताला कितना खुश होगा और कितनी मुसीबतें
आपसे टाल दी जाएंगी। हम सब का फरीजा है बतौर पाकिस्तान के होने के नाते, हम सब का यही फरीजा है। वो ये माँ थी जिनकी 5 बच्चियाँ जवान हैं, जिनकी सिर्फ एक की शादी हुई है। वो बता रही थी कि मेरी 4 बच्चियों वो भी जवान हैं, अभी उनकी शादी नहीं हो सकी, किसी वजह मेरे पास किसी पैसे का वसाइल नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर सकूँ। मैं होटल पर काम करती हूँ, मुझे 400 रुपये सुबह से लेकर शाम तक दिया जाता है। उन 400 रुपये से मेरे घर की ज़रूरियात की अशिया भी नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि मेरे बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से मैं पाल रही हूँ। हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे बेकसों का सहारा बनें जो यतीम हैं उनकी कफालत करें।